नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है और डॉक्टर मरीज के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। आज कुछ ऐसा ही उदाहरण मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा इन तस्वीरों के बारे में जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। दरअसल कल बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित जिला परिषद सभागार में जिला परिषद की साधारण बैठक थी और उस बैठक में बाड़मेर जैसलमेर के सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के अलावा जिले भर के जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोक बंधु थे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओपी विश्नोई थे तो बाड़मेर के जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी भी थे। इस बैठक में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन थे, शिव विधायक अमीन खान थे, चौटन विधायक पद्माराम मेघवाल थे और शिवाना विधायक हमीर सिंह भायल भी थे। इस बैठक में कई पंचायत समितियों के प्रधान थे और इस बैठक में जिले के कई जनप्रतिनिधि भी थे। और इस दरमियान केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर के जिला अस्पताल में साफ सफाई को लेकर अव्यवस्थाओं की कई बार शिकायतें आने पर बाड़मेर के जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीएल मंसूरिया को लेकर एक इस प्रकार की टिप्पणी दी जो डॉक्टरों को खल गई। हालांकि उस टिप्पणी के बारे में हम खुलकर को तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो टिप्पणी इस प्रकार की थी जो इन डॉक्टरों को और बाड़मेर के जिला अस्पताल अधीक्षक को खल गई। उनका कहना है कि उन्होंने जो टिप्पणी की है वो अमर्यादित है, हमारा अस्पताल जो है कई योजनाओं में प्रथम है, चिरंजीवी योजनाओं में भी प्रदेश में ये अव्वल है और साफ सफाई को लेकर भी हमारा अस्पताल बाकी जो हमारे समानांतर जो अस्पताल हैं उनके उनसे कहीं बेहतर है। और उसके बावजूद अगर एक जनप्रतिनिधि हमारे पीएमओ के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो हम उनका सहन उस टिप्पणी को नहीं करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। ये दृश्य चल ही रहा था, ये धरना चल ही रहा था कि कुछ मरीज जिला अस्पताल चले गए और उन्होंने जाकर पूछा, पता किया तो कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो उन लोगों ने वहाँ पर बैठे लोगों ने कहा कि डॉक्टर और कई अस्पताल के स्टाफ जो हैं जिला कलेक्टर बंगलों के आगे धरने पर बैठे। तो मरीज की स्थिति ज़्यादा गंभीर थी या इस प्रकार से मरीज कई मरीज थे जिन्होंने सोचा क्यों ना कलेक्टर बंगलों के आगे जाकर के वहाँ पर हमारा डॉक्टरों से इलाज करवाया जाए। और जब मरीज इन डॉक्टरों के पास पहुँचे तो डॉक्टरों ने आव देखा ना ताव, अपना धरना तो जारी रखा ही, साथ ही जो मरीज आए थे उनका इलाज भी करना शुरू कर दिया। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक बुजुर्ग मरीज यहाँ पर अपनी पर्ची लेकर डॉक्टर साहब के पास आए तो डॉक्टर साहब ने उनका पैर देखा, जो बीमारी थी उसके बारे में उनसे कंसल्ट किया, जो दवाइयाँ या ट्रीटमेंट थी वो भी लिखी, साथ ही कहा कि आप थोड़ी देर बाद मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, आप वहाँ आ जाइए, मैं आपका इलाज कर दूँगा। और इस दृश्य को देखकर हर किसी ने डॉक्टरों की प्रशंसा की, उनके लिए तालियां भी बजाई। अब इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टरों का क्या कहना है और इसके बाद उन्होंने जो ज्ञापन दिया है बाड़मेर के उपखंड अधिकारी को जिला प्रधानमंत्री के नाम, उसको लेकर उपखंड अधिकारी ने क्या कहा है ये हम आपको सुनाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप तमाम दर्शक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कल उन्होंने कैलाश चौधरी ने क्या बयान दिया था वो भी मैं अगले वीडियो में आपको सुनाने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज सुबह जो समाचार पत्रों में आया ना कि पीएमओ साहब को बाथरूम बंद कर दो, एक घंटा बैठा दो तो उनको गंदगी के बारे में पता पड़े, जो ये अशोभनीय भाषा का जो प्रयोग किया गया पीएमओ साहब के लिए, इससे हमारे सारे चिकित्सक बंधु आहत है और हतोत्साहित हो रहे हैं। अगर आप हमारा मोरल सपोर्ट बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम मत करो, और कम करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, किसके लिए काम करेंगे, यही उनसे निवेदन है। अच्छा, फिर किस तरीके से आप लोग यहाँ आए, किस तरीके से डिसीजन हुआ और अब आप लोगों की क्या कुछ डिमांड है? हमारी डिमांड खाली इतनी है कि ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करें, कृपया हमारे लिए नहीं करें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम ढंग से काम नहीं कर पाएंगे मरीजों के लिए, और यही चाहते हैं कि थोड़ा सा जो आपने कहा है उसमें आप माफ़ी मांगे सबके सामने, ये बोला कि इस तरह से हम दोबारा प्रयोग नहीं करें, यही चाहते हैं और कुछ नहीं। आहत हो गए आप लोग? आहत हो गए बिल्कुल। अच्छा, अगर आपने क्या चेतावनी दी है? चेतावनी कल ये दी है, कल हम 2 घंटे काली पट्टी बांध काम करेंगे, उसके बाद में नहीं हुआ तो फिर परसों से हम कार्य बहिष्कार करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये बोला कि हम आपकी बात तो आगे तक पहुंचाएंगे। तो आप यहाँ से जा रहे हैं वापस फील्ड में? हाँ, वैसे तो हमारे जो साथ में डॉक्टर साहब, उन्होंने ये कहा कि नहीं जाना नहीं चाहिए, क्लब साहब को यहाँ आना चाहिए, उनसे हमारे को लेना चाहिए ज्ञापन, लेकिन वो नहीं है यहाँ पर, 2-3 घंटे बाद में आए तो हो सकता है फिर कल दोबारा इस बारे में सोचा, योजना बनाया और कल वापस आएंगे। हमें सूचना मिली कि मेडिकल कॉलेज बाड़मेर से संबंध हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, वो कोई ज्ञापन देना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि माननीय मंत्री महोदय ने इनके कोई टिप्पणी करी है, टिप्पणी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, हमारा तो जो इन्होंने ज्ञापन दिया हम सक्षम माध्यम से संबंधित भावना पहुंचा देंगे। और माननीय जिला कलेक्टर महोदय फील्ड विजिट पे गए हैं,
मैंने इनसे अनुरोध किया, उनको आने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए उनकी तरफ से मैं ज्ञापन ले रहा हूँ। किस तरीके से इन लोगों ने आपको चेतावनी दी है कि कल अगर जो काम को लेकर भी, इनका कहना हम काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे, वो इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारे इनकी भावना हम सम्मति तक पहुँचा देंगे। ठीक है, बात होने के बाद ये यहाँ से रवाना हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल।